वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो डियर स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने मीन के टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया है आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीडियन तो आइए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है और मीडियन से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं उन सब चीजों पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे पहले हमें यह समझना है कि मीडियन क्या है और क्यों है और मीन से कैसे अलग है इनको दो तीन पॉइंट्स हैं इसको पहले हम समझ लेते हैं फिर हम क्वेश्चंस लेंगे और फॉर्मूला लेंगे हाँ जी बच्चों तो देखेंगे टॉपिक हमारा आज की क्लासेस का है मीडियम देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए मिस्टर ए है मिस्टर ए है और इसके पांच बच्चे हैं लाइक पी जिसकी एज सेवन इयर्स से। है एक क्यू है जिसकी एज, एज एट इयर्स है आर है जिसकी एज फोर ईयर है एस है और जिसकी एज इलेवन ईयर्स है एक टी है जिसकी एज थर्टीन ईयर्स है तो एक मिस्टर ए है इसके पांच बच्चे हैं जिनका नाम है पी क्यू आर एस टी और इन पांचों बच्चों की अपनी अपनी एज है कोई इसका बच्चा सात साल का है तो कोई आठ साल का तो कोई चार साल का तो कोई ग्यारह साल का और कोई तेरह साल का बच्चा है अब मिस्टर ए जहां भी जाता है अपने ऑफिस में में जाता है, मार्केट में जाता है है मार्केट कहीं पर इसकी किसी से भी मुलाकात होती है तो जनरली लोग पूछते हैं कि भाई साहब कितने बच्चे हैं जनरली बातचीत में निकल के आती है तो इसको बताना पड़ता है फिर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई बच्चे कितने बड़े हो गए तो भाई पूछते हैं बच्चे कितने बड़े हैं अब पांच बच्चे हैं पांचों का डेटा देना पड़ता है मिस्टर ए को कि जी एक मेरा सात साल का है एक बच्चा मेरा आठ साल का है एक चार साल का है, साल का और एक तेरह साल का है और फिर से पूरे दिन में कोई और मिल गया तो फिर से पांचों बच्चों का इसको इस तरीके का डेटा देना पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं ये परेशान हो चुका है कि यार इतना सारा डेटा को एक तरीके से तो ग्रुप ही हो गया ये और इस ग्रुप को इंडिविजुअल लेवल पे इंड... एक्सप्रेस करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है और सामने वाले के लिए समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है तो वो वो चाहता है कि शॉर्टकट में कम से कम शब्दों में कम से कम वर्ड्स में वो कर कि बच्चे कितने बड़े हैं उसके में। तो A, मेरे पास में आता तो मैं कहता हूं A, को मैंने कर, आप एक काम करें कि आपके पास में आप जो बच्चे पांच बच्चे इनकी एज का आप सम कर दें मैंने इनको ये एडवाइस करा कि आप एक काम कीजिए आप इनकी एज का सम करो तो इनकी एज का आप सम करते हैं तो सेवन और एट आपके पास में सेवन और प्लस एट फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन नाइनटीन और प्लस इलेवन थर्टी थर्टी प्लस थर्टीन फोर्टी थ्री और फोर्टी थ्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फाइव स्टूडेंट्स हैं तो आप फोर्टी थ्री डिवाइडेड बाय आप फाइव करें और सॉल्व करें आप एट पॉइंट सिक्स तो एट पॉइंट सिक्स एक एवरेज एज आ गई है तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं, तो आप उसको ये रिप्लाई करेंगे कि एवरेज एज एट पॉइंट सिक्स मेरे पांच बच्चों के तो लोग समझ जाएंगे कि बच्चे लगभग लगभग आठ साल के आसपास हैं आठ कोई नौ साल का कोई छ साल का इसके आसपास है ये एक इमेज माइंड में जाएगी लोगों के क्योंकि तो ठीक है तो आप ऐसे कम से कम टाइम में पूरे इंफॉर्मेशन को आप एक्सप्रेस ईजिली कर पाएंगे अब मिस्टर ए कहता है कि सर सोल्यूशन तो अच्छा है आपका और मेरे काम भी आसान हो गया लेकिन एक समस्या अभी भी है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मुझे प्लस करना नहीं आता है और मुझे डिवाइड करना भी नहीं आता है आज तो चलो ठीक है आपने कैलकुलेट करके बता दिया कि 8.6 एवरेज एज है तो मैं 8.6 लोगों बता दूंगा लेकिन एक साल बाद डेढ़ साल बाद दो साल बाद तो बच्चों की एज चेंज होंगी सभी बच्चों की तो उस समय फिर मुझे फिर से आप पे डिपेंड होना पड़ेगा और फिर मैं आपको ढूंढूंगा फिर आप मुझे कैलकुलेट करके दोगे तो परमानेंट सोल्यूशन चाहिए मुझे और आपने जो तो मुझे सिखाया कि एड करके डिवाइड कर देना सर तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मुझे इतनी मैथ्स नहीं आती है मैं डिवाइड वगैरह टेबल वगैरह मुझे कुछ नहीं आता है तो आगे मेरा सॉल्यूशन कैसे होगा आज से तो सॉल्यूशन कर दिया अपने परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा मेरा ये मिस्टर ए कहता है मेरे से तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं बिल्कुल पैनिक नहीं होना इसका भी सॉल्यूशन है तो आप एक काम करें मिस्टर ए को मैं सजेस्ट करता हूं मैं बोलता हूं पहले अपने बच्चे जो है ना आप लोगों को एज बता रहे हैं ना तो एज के अकॉर्डिंग उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कोई एक ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर लीजिए हाइट वाइज मत करना क्योंकि आप लोगों को एज बता रहे हो तो आप एज वाइज करना है ऑर्डर में अरेंज अगर आप लोगों को हाइट बता रहे हो तो आप हाइट वाइज करो तो अगर एज बता रहे तो एज वाइज तो चलो ठीक है फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं जो P है सेवन ईयर्स Q है आ, एट ईयर उससे पहले आप हमारे पास में असेंडिंग ऑर्डर में R आएगा फोर ईयर्स उसके बाद फिर हमारे पास सेवन ईयर्स पी उसके बाद फिर हमारे पास में आएगा क्यू एट ईयर्स फिर उसके बाद एस इलेवन ईयर्स हमारे पास में बच्चा आएगा टी थर्टी इत तो पहले आप ऑर्डर में अरेंज कर लो कह रहा ठीक है सर ये तो आसान है ये तो मैं एज वाइज बच्चों को खड़ा कर सकता हूं मुझे मालूम है एज क्या है असेंडिंग ऑर्डर में मैं उसको अरेंज कर सकता हूं या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में ले सकता हूँ बिल्कुल सही आप ऐसे कर सकते हैं कि ये में कर सकता हूँ कभी भी कर सकता हूँ मैं मतलब तो बस ऐसा करने के बाद फिर आप एक काम करें जो मिडल में होगा ना बच्चा आपका उसकी जो एज होगी वही आपका जो है आप लोगों को बता देना कि मेरे घर में बच्चे लगभग लगभग एट ईयर्स के आसपास हैं है तो लोगों को आप यही बता देना तो कहेगा सर क्या ये मीन है लोग ये मीन तो नहीं है लेकिन मीन के लेकिन मीन के नियरेस्ट एक नंबर आ गया मीन नहीं है बट मीन के नियरेस्ट एक नंबर है तो वो मिस्टर ए में से कहेगा लेकिन सर मीन तो नहीं है ना मैं बोलूंगा देखो मीन का सिर्फ इतना ही रोल होता है कि लोगों को एक आइडिया हो पाए किसी ग्रुप के बारे में अब आप 8.6 बोल दो या फिर आप 8 बोल दो 8 बोल देने से बच्चे बिल्कुल छोटे नहीं हो जाएंगे और 8.6 बोल देने से बच्चे बहुत जवान नहीं हो जाएंगे लगभग लगभग आइडिया वही जाएगा अगर मैं बोलू इस इंडिया की एवरेज इनकम पंद्रह रुपए है पर मंथ तो आपके मन में एक इमेज क्रेट हुई सोलह हजार के इनफॉर्मेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ग्रुप को समझने में सेम मैसेज डिलीवर होता है तो इसलिए आप एवरेज नहीं बता पाते हैं तो कोई बात नहीं एवरेज के नियरेस्ट एक नंबर लेना सिखा दिया मैंने आप ये नियरेस्ट वाला नंबर बता दिया करें ये एवरेज जैसा ही काम करेगा ग्रुप को ये सही तौर पर रिप्रेजेंट करेगा तो मिस्टर ए कहता है ठीक है सर आपने मुझे एवरेज तो नहीं बट एवरेज के नियरेस्ट नंबर लाना सिखा दिया लेकिन सर इसको बोलेंगे क्या एवरेज तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एवरेज तो नहीं है बिल्कुल जी इसको एवरेज बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि एवरेज नहीं है तो सर क्या बोलेंगे इसको तो बच्चे इसको क्या बोलेंगे हम इसी को हम जो है जो एवरेज एक नियरेस्ट नंबर होता है इसको हम बोलते हैं मीडियन बच्चे ये बात समझ में आपको आए कि मीन और मीडियन में क्या डिफरेंसिस है क्लियर है कोई डाउट तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जैसे कि टी

मीन के अंदर कोई एक डेटा पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकता है मान लीजिए आपके मोहल्ले में अंबानी जी आके रहने लग गए अब अपने मोहल्ले की एवरेज इनकम निकालिए आप क्या एकदम से बूम मारेगा क्लियर है बच्चे पर एक्चुअल में वो आपके मोहल्ले की एवरेज इनकम नहीं है तो मीन के अंदर कोई एक डेटा बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाने की वजह से वो पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो ये कुछ मेरिट एंड डीमेरिट था मीन एंड मीडियन का जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा बट फिलहाल आप मीडियन को समझिए मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या है ये क्लियर है इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछेंगे आप लोग और चैट भी करते रहिए चैट में आपकी नजर पूरी बनी हुई है मेरी क्लियर है बच्चे चलिए आगे बढ़े हेलो हाँ जी अब तो आपको समझ में आ गया कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है तो है पास में, बट वो कितने लोगों ने कैरी कर रखा है ऐसा कुछ भी नहीं है तो एक सिंगल सिंगल इंडिविजुअल इंडिविजुअल डेटा हमारे पास में इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज बोलेंगे इसको। आप, अगर आप देखते तो आपके पास में अठारह बारह सत्रह बाईस और बीस तो यहां पर आप एक काम करें कि सबसे पहला फर्स्ट आपके पास स्टेप का लेना है कि इसको या तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी ऑर्डर में ले लीजिए बट एक ऑर्डर रखें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूं मैं तो सबसे इसमें से क्या है ट्वेल्व है तो ट्वेल्व ट्वेल्व के बाद सेवनटीन आफ्टर ट्वेल्व सेवनटीन देन एटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी एंड ट्वेंटी टू क्लियर है अब यहां पर तो देखिए आपके लिए बहुत ईजी है मिडल टर्म को देखना क्या है लेकिन आपको एक चीज़ और समझना होगा बच्चे मैं एक एग्ज़ाम्पल और ले रहा हूँ कि मान लें मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ उसको समझिए ज़रा कुछ डेटा लिख रहा हूँ टू थ्री एट नाइन टेन फिफ्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन थर्टी थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी सिक्स थर्टी एट फोर्टी वन फोटी थ्री फोर्टी सेवन फिफ्टी टू फिफ्टी एट सिक्सटी सिक्सटी सेवन सेवनटी नाइन एट्टी वन एट्टी थ्री कुछ मैंने कुछ ऐसे डेटा लिखा ठीक है बच्चे अब मुझे एक बार बताएं कि इस डेटा में मिडल टर्म कौन सा है तो आपको देखना पड़ेगा आपको लग रहा है ऐसा कि भाई मिडल टर्म ये है फिर आप कंफर्म नहीं हो श्योर नहीं हो कि इधर कितने ऑब्जर्वेशन है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ बट ये मिडल टर्म नहीं है तो क्या मिडल टर्म ये है नहीं नहीं ये नहीं है क्या ये है तो कहीं ना कहीं आपको मिडिल टर्म कहां पर मिलेगा आपको अभी यही नहीं पता इतना तो पता है कि मिडन मिडल टर्म वाला पूरा एवरेज निकाल लो इसका या इसका मिडल टर्म पकड़ लो एवरेज उसके नियरेस्ट होगा या वो मिडिल टर्म एवरेज के नियरेस्ट होगा गई तो आपको पता लग गया लेकिन मिडल टर्म को कैसे फाइंड करेंगे मिडिल टर्म है कहां तो बड़ा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मिडल टर्म कैसे फाइंड करेंगे इस केस में कि कौन सा मिडल टर्म है तो मिडल टर्म कहाँ पर है एड्रेस कहाँ पर मिलेगा भाई जैसे मैं बोलता हूं भैया आपको ये नोट्स आपको मिस्टर ए से मिलेगा उससे जाकर के घर से पिक कर लो आप बोलोगे सर वो ठीक है है मिस्टर मिस्टर ए ए से पिक कर बट का घर ये तो, बताओ, फिर पहले उस एड्रेस फिर उससे तो ऐसे ही मिलेगा वो एड्रेस इस एड्रेस को हम बोलेंगे मीडियन फॉर एग्जाम्पल एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस एक नंबर और ले लेते हैं ना अभी पच्चीस तो हमारे पास में यहाँ पे बेसिकली साइज ऑफ मीडियम क्या हुआ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टाउन यहाँ एन मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ट्वेंटी फाइव है प्लस वन डिवाइडेड बाय टूए टर्म सॉल्व करेंगे ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाय टूए टर्म सॉल्व करेंगे थर्टीन टर्म तो पता लग गया मेरा मिडिल टर्म है ना थर्टी प्लेस पे होगा तो थर्टी प्लेस क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो ये मेरा मिडिल टर्म है तो मुझे पता लग गया ना मैं मिडिल टर्म का ईजिली तो मेरा यहाँ पर जो मीडियन है मैं मीडियन का आंसर क्या लिखूंगा मीडियन इक्वल्स टू थर्टी सिक्स ये मेरा आंसर है तो सबसे दो स्टेप आ गए इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता करना होगा कि मिडिल टर्म कहाँ पर है उसके बाद आप जा करके वहाँ से अपना मिडिल टर्म बता देंगे वही आपका मीडियन है तो आपको एक समझ में आ गया चाहिए जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू क्या करेंगे साइज ऑफ मीडियन निकालेंगे आप साइज़ ऑफ़ मीडियन तो साइज ऑफ मीडियम का क्या होता है मैंने आपको? एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस वन डिवाइडेड बाई टूल्थ टर्म यह बताएगा कि मिडिल टर्म कौन से प्लेस पर है सॉल्व करेंगे एन आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइव है प्लस वन डिवाइडेड बाई टूए टर्म सिक्स डिवाइडेड बाय टूए टर्म क्वल टू थर्ड टर्म क्लियर है बच्चे समझ में आए आपको तो आपके पास में थर्ड टर्म क्या है तो इसमें से देखेंगे आपका थर्ड टर्म क्या है ये आपका तो मीडियन इक्वल्स टू थर्ड टर्म पे मीडियन मीडियन है तो इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में 18 तो 18 आपका आंसर है ना कि थर्ड आपका आंसर होगा तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ मैं आपको ये मैं अज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ कि जैसे आपने पहले अपनी लाइफ में कभी भी स्टैट्स नहीं पढ़ा आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से से जीरो लेवल से लेके चल रहा अपने और एडवांस लेवल तक मैं इसको टच करूंगा क्लियर है जो आप शुरू यहीं पर खत्म भी आप इसको यहीं करोगे मेरी क्लासेस है क्लियर है बच्चे तो चलिए अब आपके मन में एक डाउट जरूर आए कि सर ठीक है यहाँ तक तो मिडल टर्म को फाइंड करना इसलिए आसान था क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड फिगर में था लाइक फाइव हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मिडिल टर्म पकड़ में आ जाएगा 7 हो तब भी आप एक मिडिल टर्म ले लोगे नाइन हो तब भी ले लोगे 11 थर्टीन 17 और नंबर ऑब्जर्वेशन अगर ओड है तो वहां तो मिडिल टर्म इजीली पिक हो जाता है पर अगर सिक्स ऑब्जर्वेशन है तो वहां मिडिल टर्म कौन है वहां तो पता ही नहीं 4 ऑब्जर्वेशन बताओ कौन है मिडिल टर्म कैसे पता लगेगा आपके मन में ये डाउट है तो उसके लिए अगला क्वेश्चन है देखिए ये क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही पहला स्टेप आपको पूरा करना है क्या कि आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले आपको इसका फिफ्टी नाइन देन उसके बाद सिक्सटी देन नेक्स्ट सिक्सटी नाइन एंड नेक्स्ट सेवेंटी फोर एंड नेक्स्ट एटी फोर एंड एटी फाइव असेंडी ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया अब आप साइज ऑफ मीडियम ले रहे हैं साइज ऑफ मीडियन तो साइज ऑफ मीडियन का फॉर्मूला आपका है एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टूए टर्म देन इक्वल्स टू साइज ऑफ मीडियन इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ देशन क्या है सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टूए टर्म साइज ऑफ मीडियम तो हमारे पास में क्या गया सेवन बाई टर्म साइज ऑफ मीडियम सॉल्व करते हैं थ्री पॉइंट फिफ्थ टर्म तो थ्री पॉइंट फिफ्थ टर्म आपके पास में क्या है ये हमारे पास में थर्ड टर्म है ये हमारे पास में फोर्थ टर्म है तो थ्री पॉइंट फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया कि थर्ड टर्म भी नहीं है फोर्थ टर्म भी नहीं है इन दोनों के बीच का टर्म है तो बीच का टर्म हम कैसे निकालेंगे जब थ्री पॉइंट फिफ्थ आ जाएगा तो इसको आप ऐसे करेंगे थर्ड टर्म थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म इनके बीच का टर्म फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय टू क्लियर है बच्चे तो यहां पर आपका मीडियन की वैल्यू क्या आएगी मीडियन इक्वल टू थर्ड टर्म क्या फोर्थ टर्म क्या सेवेंटी फोर डिवाइडेड बाय टू तो आपका मीडियन इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे आप फाइव एंड ढाई सेवेंटी वन पॉइंट फाइव कर लो आप इसको एड ही कर लो थर्टी और थर्टीन और ये फोर्टीन डिवाइडेड बाई टू सॉल्व करेंगे ये आपका मीडियन है ये आपका आंसर है तो अब आपको उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में आपको मीडियन किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है क्लियर है बच्चे कोई डाउट